जिस दिन मैंने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सीखा नेक्स्ट डे ही मैं चेक की अपने आप को टॉयलेट में इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आई फाउंड अ ब्रेस्ट लंप मटर के दाने की जितनी बड़े का लंप था oh. जो कि मैंने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से उसको पता कर लिया फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर इन ब्रेस्ट कैंसर इज 97 ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट ओनली रिलेटेड टू वुमेन हमारे देश में आप बिलीव नहीं करोगे सबसे ज्यादा इट्स अ नंबर वन कॉज इन वुमेन फॉर कैंसर इज ब्रेस्ट कैंसर और वो धीरे धीरे जब हम उस पर ध्यान नहीं देते वो लम्ब पे वो धीरे धीरे ट्यूमर का रूप फिर वो कैंसर का रूप ले सकती है ऑल द कैंसर स्टार्ट विदाउट पेन लम्स स्पेशली जो ब्रेस्ट में होते हैं ना उनमें पेन नहीं होते हैं सो so, इसी क्या है फीमेल इग्नोर कर जाती है कि जो महिला या जो मैन एक एप्पल रोज कंज्यूम कर रहे हैं उनका 24% परसेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रिस्क कम हो जाता है एक बहुत ही खास गेस्ट आज एक ऐसे इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे साथ आए हैं इस पॉडकास्ट में जिनको 10 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है इस फील्ड में उन्होंने 250 से 300 अलग अलग सेशन सेमिनार्स लिए हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर और एक ऐसे इंसान की जो हज़ारों लोगों को हेल्प किए हैं ब्रेस्ट कैंसर को दूर करने के लिए उसके सिम्टम्स को रेमिशन में डालने के लिए और जो इतना डर फैला हुआ है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर और इतने केसेस बढ़ चुके हैं उसके ऊपर एक मिशन वो उठाए हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को दूर करना है उसका अवेयरनेस स्प्रेड करना है और जितना हो सके हम हेल्दी लोगों को बनाना चाहते हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बहुत सारे मिथ होते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स को ही ये एपिसोड देखना है मेल्स को भी देखना है क्यों देखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी और बहुत सारे आपके घर में भी अगर कोई फीमेल्स हैं आपके मम्मी आपके बहन आपके वाइफ आपके डॉटर उनको भी ये वीडियो पास ऑन कीजिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके लिए आप भी इसे ज़रूर देखिएगा या सुनिएगा आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू वेलकम डॉक्टर विभा अग्रवाल थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग थैंक यू सो मच टू बी अ पार्ट ऑफ दिस आई एम ग्लैड टू बी हेयर टूडे थैंक यू सो मच सो विभा मैम पहले तो बहुत बड़ा मिथ कि सिर्फ फीमेल्स को ही ब्रेस्ट कैंसर होता है क्या ये सच है नहीं शिवांगी जी ये बहुत ही बड़ा मिथ है हमारी कंट्री में स्पेसिफिकली कि सिर्फ फीमेल्स को ही ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है oh, wow. अभी कुछ ही महीने पहले हमारे सेंटर पे एक राउंड अबाउट आई थिंक 50 टू 55 फाइव ईयर ओल्ड मेल आए थे जिनको जिन्हों जो आए थे सिर्फ एक चेस्ट पेन लेके तो जब उनको क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया कि उनके ब्रेस्ट में एक छोटा सा लम्प था उनके यूएस मैमोग्राफी कराई उसके बाद ऑपरेट करके वो लम्प निकाल दिया एंड ही वॉज परफेक्टली फाइन तो उनको भी काफी एस्टोनिशिंग लगा कि भाई मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है लेकिन उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं था ब्रेस्ट लम्ब था लेकिन फिर उन्होंने फिर अपने एक दोस्त को और वो लेके आए जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था सो इट इज वेरी कॉमन कि ब्रेस्ट कैंसर इन मेल्स हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट ओनली रिलेटेड टू और हमारे देश में आप बिलीव नहीं करोगे सबसे ज्यादा इट्स नंबर वन कॉज इन वुमेन फॉर कैंसर इज ब्रेस्ट कैंसर हम्म और awareness बहुत कम है। awareness तो आपने, बहुत कम है है बहुत बहुत आपने अच्छा ये मिथ तोड़ा है कि मेल्स को भी हो सकता है ये डराने के लिए नहीं है of course, बट ये awareness के लिए बिल्कुल, है। बिल्कुल कि आप जरूर पहले तो पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है दूसरा भी एक मिथ होता है एंड दैट इज कि कोई भी फीमेल को अगर लम्प होता है ब्रेस्ट में तो वो डर जाते हैं कि मुझे कैंसर है क्या ये सही है अगर आपके फेस में एक पिंपल होता है तो आपको पता चलता है राइट यू आर रियली वेरी बॉदर्ड सो ब्रेस्ट बीइंग साइन ऑफ फेमिनिटी डेफिनेटली एक वुमन को चिंतित होना स्वाभाविक है लेकिन टेन में से नाइन लम्स आर नॉट कैंसर अगर आप और मैं भी अभी जाके चेकअप कराएंगी ना तो लम कोई छोटा मोटा मिल ही जाएगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें कैंसर हो गया है लम्प होना स्वाभाविक है जिस तरह जब हम कोम्बिंग ऑफ आर हेयर करते हैं तो कई बार बालों में उलझन हो जाती है वैसे ही हमारे ब्रेस्ट के टिश्यूज कुछ एक जगह इकट्ठी हो जाती है जो कि एक लम्ब का फॉर्म लेती है ओके okay. और वो धीरे धीरे जब हम उस पर ध्यान नहीं देते वो लम्ब पे वो धीरे धीरे ट्यूमर का रूप फिर वो कैंसर का रूप ले सकती है अच्छा मैं इसमें जरूर जानना चाहूँगी आपने बताया कि कुछ कुछ टिश्यूज इकट्ठा होते हैं हो और लम्प होते हैं तो ऑलमोस्ट हर फीमेल को होता है और ऐसा क्यों होगा क्यों टिश्यूज़ इकट्ठा होता है उसका हारमोनल चेंजेस के कारण हमारी बॉडी में आपको पता है कि इट स्टार्ट फ्रॉम मीनार्च जब एक लड़की या एक बच्ची पीरियड्स होना शुरू होती है मीनार्च उस ता, उस टाइम उसके हारमोनस चेंज होते हैं देन प्यूबर्टी के टाइम पे भी व्हेन शी इज़ ग्रोइंग हार्मोनल लेवल चेंज होते हैं तो उसके बाद क्या होता है ब्रेस्ट डेवलप हो रहे हैं हॉर्मोनल लेवल चेंज हो रहे हैं तो उसके कारण लम्प फॉर्म होना स्वाभाविक है hmm. और ऐसा नहीं है कि बोथ ऑफ द ब्रेस्ट पर लंप होंगे किसी किसी को दोनों में हो सकती हैं किसी को राइट right या सिर्फ लेफ्ट में भी लंप हो सकता है बट ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि लम्प का मतलब कैंसर है इट इज नॉट ट्रू थैंक यू आपने ये मिथ तोड़ा क्योंकि अगेन लोग डर जाते हैं और डर आपने दूर किया और कभी कभी विभाजी हम बात भी अभी कर रहे हैं ना एक्चुअली बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है ये शब्द को भी सुनना बहुत शाई फील करते हैं ब्रेस्ट की बात करना या ये अपने इंटीमेट पार्ट्स के बारे में बात करना लोग बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं देखकर भी उनको ऐसा लगता है ये हम देखे सुने कोई अगर देख लेगा कैसा लगेगा तो आप क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को कि जो बहुत शाई फील करते हैं डू यू थिंक आप हमें ओपनली बात करनी चाहिए बिल्कुल आज हम लोग देखिए ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरीज़ में हैं मतलब डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं सो एवरी थिंग इज अवेलेबल इन गूगल ऑल्सो इन यूट्यूब ऑल्सो बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे छुपाइए मत क्योंकि आई टेल यू ब्रेस्ट कैंसर नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर ऑल द कैंसर स्टार्ट विदाउट पेन लम्स स्पेशली जो ब्रेस्ट में होते हैं ना उनमें पेन नहीं होते हैं सो so, इसलिए क्या है फीमेल इग्नोर कर जाती है कई बार हम इंडियन वुमेन हमारे घरों में क्या होता है कि नहीं अभी बच्चे का एग्जाम है अभी नहीं बात करेंगे अभी हस्बैंड थोड़ी टेंशन में अभी बात नहीं करते हैं बाद में बात करेंगे तो ये करते करते ना समय निकल जाता है mm. और फिर हम पछताते हैं कि काश मैं पहले बात कर सकती थी तो इसीलिए आई वुड लाइक टू से एवरी फीमेल इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर ब्रेस्ट आप बात करें बात करने से जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व होगी न, न कि छुपाने से सो so बेसिकली किसी को भी अगर लम्प है डरना नहीं चाहिए एग्जामिनेशन जरूरी है तो किसी को भी पता कैसे चलेगा लोग बातें नहीं करते हैं बट हाँ। पहला तो बात जरूर करें बिल्कुल बट फिर पता कैसे चले कि वो लम्प कैंसरस है नहीं है पता कैसे चले ब्रेस्ट कैंसर है देखिए पहला तो एक है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ओके okay. जो कि हर वुमन को करना चाहिए

लेवल ऑफ निपल में डिफरेंस आ गया है स्किन कलर में डिफरेंस आ गया है आपको तो पता है आपका क्या कलर था लेकिन अचानक से अगर कोई इरिटेशन हो रहा है ब्रेस्ट में hmm. कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेस्ट में भी कई बार कोई फुंसी या पिंपल हो जाती है hmm. तो उसमें से अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है क्या ओके okay. निपल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है क्या सो so ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो कि एक वुमन बात करने से पहले अपने मिरर में देख सकती हैं लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड है इफ़ अ फीमेल इज हैविंग पीरियड्स तो डेफिनेटली पीरियड्स के सात दिन बाद उस टाइम क्या होता है ब्रेस सॉफ्ट रहता है आपने हमने सभी ने हमने मार्क किया होगा कि जब हमारा पीरियड्स का टाइम आता है तो ब्रेस्ट बिकम्स हार्ड थोड़ा सा कड़ा फीलिंग आता है हमें बिकॉज ऑफ द हॉर्मनल चेंजेस लेकिन जैसे ही हम पीरियड्स हो जाते हैं ब्रेस्ट बिकम्स टेंडर एंड सॉफ्ट करेक्ट राइट सो इसीलिए ये चीज जो पीरियड्स हो रही हैं वो पीरियड्स खत्म होने के सात दिन बाद करें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और जिन वुमेन में हिस्ट्रिक टॉमी यानी कि रिमूवल ऑफ यूटरस हो चुका है वो कोई भी एक दिन जिनको वो दिन याद रख सकते हैं या तो उनका बर्थडे डेट हो सकता है एनिवर्सरी डेट हो सकता है हुँ. या फिर फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ वो ये टेस्ट कर सकती हैं उसमें अगर उन्हें डाउट लगे तो गो टू स्पेशलिस्ट और जो कि कि आपको आपको करेंगे क्या करना। रही बात है टेस्ट करवाना है hmm. तो यू शुड गो फॉर फर्स्ट टेस्ट विच इज यू एस जी मेमोग्राफी नॉट अ मेमोग्राम ओके मैं मेमोग्राफी के ऊपर आती हूँ आपने बताया कि पीरियड जब खत्म हो जाए

हॉर्मोनल चेंजेस Change वापस चेंज आएगा फिर धीरे धीरे पीरियड्स का टाइम आ जाएगा तो तब नहीं okay. करना है जैसे ही पीरियड्स खत्म हो गया उसके बाद गॉट इट सो आठवें दिन पे पीरियड शुरू हुआ तब से आठवें दिन पे ये चेक करना है और हर महीने हर महीने चेक विल ओनली टेक फाइव मिनट्स अरे यार हम मेकअप करने में इतना टाइम दे देते हैं तो एटलीस्ट अपनी बॉडी के लिए अपनी प्रिवेंशन के लिए हम लोग पाँच मिनट तो अपने आप को दे ही सकते हैं हंड्रेड टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर वो भी एक महीने में पाँच मिनट एक महीने में पाँच मिनट <laughs> बिल्कुल दे सकते हैं और ये हर महीने करना है और कौन सी एज से करना है एटीन ईयर्स ऑफ एज से ये शुरू करना है ऑफ एवरी फीमेल टिल द एज यू आर देयर ठीक अगर हिस्ट्रिक टॉमी हो गया तो मैंने बताया उसके बाद आप कोई भी एक संडे या कोई भी एक डेट कर सकते हैं एंड अगर कैंसर हो चुका है आपको तो डेफिनेटली आप रेगुलर फॉलोअप में रहिए ताकि आपको दोबारा कैंसर ना हो ओके okay, ठीक है अब आप मेमोग्राफी के बारे में बता रहे थे हाँ तो मेमोग्राफी जो है अगर कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मेमोग्राफी मत कराइए यूएस स्कैनिंग कराइए यूएस स्कैनिंग ऑफ ब्रेस्ट मेमोग्राफी शुड बी ओनली डन

Hmm. तो आप 10 साल पहले इयर्स जब आप होती है तो hmm. आप मेमोग्राफी कराइए या फर्दर स्क्रीनिंग पे जाइए ओके ओके ठीक है लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया कि नहीं, तो यू शुड डेफिनेटली अ मेमोग्राम अदरवाइज यू एस जी मेमोग्राफी और या फिर वी कैन ऑल्सो डू अ आर आई ऑफ ब्रेस्ट ओके जो कि सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा करेक्ट सो काफ़ी कन्फ्यूजन था वो क्लियर हुआ कि कैसे पता चलेगा बट ब्रेस्ट कैंसर आज इतना जो बढ़ चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स क्या वजह है बहुत सारी वजह हैं दो तरह से हम बोल सकते एक तो पहला तो हेरिडिटरी हो सकता है जो कि बहुत मिनिमल है लेकिन ज़्यादा इसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड एक्वायर्ड का मतलब हुआ लाइफ स्टाइल hmm. या स्टाइल में जीने को लाइफ मत मानो लाइफ स्टाइल इज़ टोटली अबाउट हाउ यू आर डूइंग योर डेली एक्टिविटीज वॉट टाइप्स ऑफ फूड यू आर कंज्यूमिंग ओबेसिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर मोटापा ईस्ट्रोजन लेवल्स बॉडी में बढ़ा देता है एंड हाई ईस्ट्रोजन कैन लीड टू ब्रेस्ट कैंसर रिस्क सो ओबेसिटी है वजन ज़्यादा है फैट ज़्यादा है उससे ईस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है दूसरा अगर किसी को अर्ली Hmm. मीनाक्ष यानी किसी के आठ साल या नौ साल में अगर पीरियड शुरू ah. हो गया है तो भी बॉडी में ईस्ट्रोजन का फ्लो चालू हो गया है Correct. तो उसको भी रिस्क हो सकता है लेट मैनो पॉज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न सो हर चीज़ अगर टाइमली हो ना सही आजकल के बच्चे आप बिलीव नहीं करेंगे शिवांगी जी आठ साल सात साल में पीरियड्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फूड 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 फास्ट Hmm. और एक बहुत प्रॉब्लम uh, है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वेस्टर्न uh, कल्चर में तो ये हो रहा था बट अभी बिकॉज हम इंडिया में भी वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं जंक खा रहे हैं uh, मैगडी का बर्गर हो सकता है नथिंग अगेंस्ट इट बट बेसिकली जंक है बेसिकली जंक है ट्रू और अगर true? वो हम खाते हैं इसीलिए हमारे पीरियड की साइकिल बोलो या मेनोपॉज बोलो इसीलिए पीसीओडी भी बढ़ रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो और क्या वजह है और ब्रेस्ट कैंसर होना या ये पीरियड रिलेटेड हार्मोन रिलेटेड इतने इश्यूज जो इंटरकनेक्ट एक है। तो देखिए लैक ऑफ एक्सरसाइज भी मैं बोलूँगी बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल के okay. बच्चे भी ओबीज हैं। हमारे जो पेशेंट्स आते हैं बोल दीजिए या जिस कम्युनिटी में हम सर्व करते हैं जब उनके बच्चे उनके साथ आते हैं ना तो लगता है दस साल का बच्चा भी बीस साल का लग रहा है बिकॉज ऑफ द फैट कम्पोजिशन दे आर हैविंग इन है बॉडी एंड इट इज ओनली ड्यू टू द प्रोसेस फूड एंड द फास्ट फूड विच दे आर कंज्यूमिंग पहले के बच्चे स्पोर्ट्स खेलते थे ओपन में जाते थे आजकल खेल तो रहे हैं लेकिन इधर मोबाइल बिल्कुल बिल्कुल वही है और उनके पेरेंट्स भी बिजी है पेरेंट्स वर्किंग तो है yeah. वो क्या कर रहे वो चाह रहे हैं कि बच्चा शांत रहे तो उसको भी एक मोबाइल दे दिया एक टैबलेट दे दिया बट आई थिंक वी शुड अगेन गो बैक फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को कंट्रोल में रखेगा आपके हॉर्मोनल लेवल्स को बैलेंस रखेगा hmm. तो इसीलिए ये सब कुछ रिलेटेड है आपकी लाइफ से एंड फूडिंग सी वी कैनोट चेंज द पेस्टिसाइड्स इन द फूड बट डेफिनेटली हम उनको अवॉइड कर सकते हैं है। वी है। अगर आप अच्छा खाओगे ना आपका पेट जल्दी भर जाएगा बिल्कुल <laughs> <laughs> वो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जब अच्छा खाते हो सही खाते हो तो पेट भी भरता है मन भी भरता मन है।, भर है गलत खाते हो ना पेट भरता है ना मन भरता है ओवर ईटिंग तो खाने में जैसे स्प्राउट्स आपने बताया उसके अलावा कुछ है जो वो ऐड कर सकते हैं खाने की बात करें तो देखिए फास्ट फूड सबको पसंद है मैं भी पिज्ज़ा खाती हूँ ऐसा नहीं नहीं खाती हूँ बट एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेट फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉडरेशन की बात करें तो एक बात याद है कि शिवांगी एक बार गौतम बुद्धा से पूछा गया पॉइजन क्या है तो उन्हें ज़्यादा बोलते नहीं थे गौतम बुद्धा उन्होंने hmm. एक ही शब्द कहा अति hmm. सो एवरी थिंग शुड बी इन मॉड्रियन अगर आज आपको पता आपको पार्टी करनी है तो यार अगर डिनर बाहर करना है तो लंच स्किप कर दो मैनेज <laughs> हो गया राइट right. ठीक है ना सो so, मैं ये नहीं कहूँगी कि बाहर मत खाइए कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए या पार्टी मत करिए एवरी थिंग शुड बी डन बट इन मॉड्रियशन और कुछ अपनी सेहत का ख्याल रखिए लैक ऑफ एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ मस्ट एक एनिमल ऑफ ऑनकोलॉजी की एक बुक है जिसमें एक पब्लिकेशन uh, आया था डज एन एप्पल कीप्स डज एन एप्पल कीप्स योर ऑनकोलॉजिस्ट अवे डज एन एप्पल अ डे कीप्स योर ऑनकोलॉजिस्ट अवे सो उसमें जो रिसर्च हुई ना उसमें ये बताया गया कि जो महिला या जो मैन एक एप्पल रोज कंज्यूम कर रहे हैं उनका 24% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रिस्क कम हो जाता है। ओह। सो एप्पल इज़ आल्सो अ सुपर फ़ूड। आई टेल यू। क्या बात है। सो एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे आल्सो कैंसर अवे। यस। अप टू 25, 24 परसेंट। लोअर्स द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये पूरी रिसर्च की गई है। ब्यूटीफुल। फूड्स में आई सजेस्ट सम सीड्स सीड्स में लिगन होते हैं जो कि आपके ईस्ट्रोजन जो होती है ना बॉडी में हॉर्मोन्स उसको कंट्रोल में रखती है तो उसे हम अपने बीच जो होते हैं आप उसको थोड़ा सा रोस्ट करके भी खा सकते हैं और रॉ खा सके तो और भी अच्छी बात है ऑल्सो ब्रोकली लॉर्ड ऑफ फाइटो ऑक्सीडेंट्स फाइटो केमिकल्स विच प्रिवेंट्स वोमन फ्राम ब्रेस्ट कैंसर सो ये जो दो तीन चीजें मैंने स्प्राउट्स हो गए फ्लैक्सिड्स हो गए ब्रोकली हो गए नट्स कोई भी नट्स अगर आप खा गए तो उसे सोक करके खाइए ना कि डायरेक्ट क्योंकि नट अगर आप भिगा के खाते है ना उसके इंजाइम्स डेवलप हो जाती है विच इज रिक्वायर्ड इन योर बॉडी हाँ अगर आप नहीं बिगा पा रहे हो ट्रैवल कर रहे हो तो आप रॉ भी ले सकते हो लेकिन खाइए जरूर दैट्स आर वेरी मच इसशियल फॉर योर बॉडीज इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छा रखता है बॉडी में हॉर्मोनल बैलेंस भी रखता है आपको फिट भी रखता है एंड यू फील इनर्जेटिक अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और अगर आप उसके बाद हैंडसम ऑफ एलम्डस खा लेंगे तो आपको लगेगा यू हैव गॉट अ गुड एनर्जी अच्छी लोगों को ये भी लगता है अपने ब्रोकली बताया फ्लैक्स सीड्स बताया जरूर ऐड करें बट वो एक कप चाय ले लेते हैं दो कप चाय ले लेते हैं तो उनको लगता है कि मैं चाय पीती हूँ या कॉफी पीती हूँ ना तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा अगेन आई थिंक इसमें अति शब्द अती, आ जाता है अति <laughs> चाय पीजिए नहीं तो चाय की कंपनी बंद हो जाएगी बिल्कुल <laughs> <laughs> विभा जी आपकी खुद की कोई कहानी है आप कैसे इस फील्ड में आए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस क्यों आपने ये मिशन उठाया

दैन आई शो टू अ डॉक्टर डॉक्टर मी नहीं ये लम्ब ही है उसके बाद तुरंत मैंने यूएस जी मेमो कराया एन आई गॉट ऑपरेटेड एंड उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आई बाय गॉड ग्रेस इट वाज नॉट कैंसर इट वाज नॉन मैनिग्डेंट सो इट इज़ फाइन और जो लम्ब भी था ना वो आपको मैं अगर बताऊँ तो वो एक मटर के दाने की जितनी बड़े का लम्ब था जो कि मैंने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से उसको पता कर लिया So, इसीलिए मुझे ये फील हुआ एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि वो रात जो मैंने काटी बहुत सारे ख्याल आ रहे दिमाग में कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो मेरा बेटा भी उस वक्त करीब तेरह साल पहले क्या बोलूँ पाँच साल का था hmm. मुझे कैंसर हो गया तो उसका क्या होगा आई वॉज नॉट बॉर्दर्ड अबाउट मी बट एक्चुअली फॉर माई सन सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है वो किस इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं hmm. ये जो डर है ना ये एक्चुअली बीमारी से ज्यादा ये डर इंसान को मार देता है तो hmm. so तब मैंने ये बीड़ा उठाया कि जिस तरह मैंने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके मैंने खुद को अगर मैं ठीक कर सकती हूँ तो वाई नॉट टू बिकम अ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कोच सो डैट आई कैन सेव एज मैनी अ स्कैन प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर यू सी सो अगर हर महिला हर वुमन हर लड़की ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेगी तो उन्हें अगर कोई भी डाउट हो तो वो क्लिनिकल क्लीनिकली अगर डॉक्टर से चेक करवाए तो पकड़ा जा सकता है अगर कैंसर भी हो तो ठीक हो सकता है फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर इन ब्रेस्ट कैंसर इज नाइन्टी सेवन परसेंट क्योरेट ओवाओ वाह नाइनटी सेवन परसेंट क्योर हो सकता है अगर फर्स्ट स्टेज है बट उसके लिए डिटेक्ट करना ली डिटेक्शन होना ज़रूरी है जो सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेज तक पहुँच चुके हैं ब्रेस्ट कैंसर सेकेंड थर्ड भी ऐसा नहीं है क्योरेबल होती है mm -hmm. लेकिन उनकी अगर आप सर्वाइवल रेट बोले तो है अगर आप सेकेंड स्टेज पे जाते हो तो इट इज़ सेवेंटी टू एट्टी परसेंट थर्ड स्टेज पे अगेन इट इज़ लेस दैन फिफ्टी परसेंट एंड अगर आप फोर्थ स्टेज पे जाते हो तो इट इज़ पैलिएटिव ज़ीरो परसेंट hmm. hmm. लेकिन पैलिएटिव का मतलब भी ये नहीं हुआ शिवांगी कि इट इज़ एंड ऑफ लाइफ करेक्ट करेक्ट ओके आज कैंसर सुनने से हर इंसान ये सोचता है कि बस नाउ इट इज एन एंड लेकिन ऐसा नहीं है आज के दिन साइंस मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कैंसर का भी इलाज है इफ़ डिटेक्टेड अर्ली तो इसीलिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ अपने कई सारे सेशंस में कि भाई प्लीज़ बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आप करिए मैं तो मैंने कई और में में भी हैं कि ये एक होना चाहिए। बिल्कुल सही। आपके बायोलॉजी जो होती है तो एक छोटा सा सेशन या कोई भी एक चैप्टर रखवा दीजिए आप कि ब्रेस सेल्फ एग्जामिनेशन कितना जरूरी है बच्चों के लिए। ऐसा होता। क्योंकि कोशिश कर रहे हैं जी एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात भी चल रही है अगर okay. ऐसा हो पाए तो इट इज नथिंग गुड लाइक दैट हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम सब जानते हैं बट फिर उसके ऊपर हम एक्शन अगर ले लें स्कूल से ही तो आई थिंक एजुकेशन बहुत अच्छा अभी एक मूवी आई ओ माई गॉड टू मैंने देखी नहीं है अभी उसमें सेक्स एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है कि सेक्शुअल uh, जो भी इश्यूज़ आज लोगों को हो रहे हैं वो अब्यूज़ होना हो सकता है या कुछ मिथ होते हैं उसको लेकर तो लोग ओपनली बात नहीं करते हैं okay. तो उसमें वही बताया है कि इट शुड बी अ पार्ट ऑफ़ करिकुलम बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए सिमिलरली फॉर सेम फॉर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है या ऐसे सारे जो इश्यूज जो बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है एक लाइफ का हिस्सा है और हम शर्माते हैं बात करने में शिवांगी जैसे आपने ये बोला ना कि सेक्शुअल एजुकेशन के बारे में आपको ये पता अगर है कि नहीं मुझे नहीं मालूम आज के डेट में इंडिया में एवरी टेन कपल्स में से एक कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं विच इज़ ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग फैक्टर और जिसमें वो लोग बात नहीं करना चाहते कि नहीं क्या बात करें hmm. इवन उनके परिवार वाले हाँ शायद सपोर्ट नहीं करते, करते या ये मानते हैं कि ये लड़की तो बेकार है क्यों इसके साथ शादी या लड़के के ऊपर भी हाँ, हो बिल्कुल सकता है। आज के दिन में में ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं हमारे देश में। हम, बिल्कुल बिल्कुल सो आई थिंक एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से एक और ये एजुकेशन नहीं होता तो मिथ भी बहुत बढ़ते है तो एक मिथ ये भी है कि ओल्डर फीमेल्स में ही होता है नहीं ऐसा नहीं है अगर हम पास्ट में जाएं तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि कैंसर को डाउट आप सिक्सटी इयर्स पे ही करिए लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है तीस से चालीस साल की महिला को भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है हम ट्रीट hmm. कर रहे हैं इट इज़ वेरी कॉमन सो एज इज़ नो बार नाउ बडीज फॉर कैंसर कितना अर्ली आपने अभी तक पेशेंट में देखा है अर्ली एज मेरे पास जो लास्ट पेशेंट आई थी वो करीब थर्टी टू ओल्ड ओके सो शी हैड थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन अभी उनका कीमो चल रहा है सो आफ्टर कीमो शील गो अगेन थ्रू रेडिएशन उसके बाद आई थिंक शील बी परफेक्टली ऑल राइट ओके आई थिंक कभी कभी लोग डीले जो कर देते हैं जब पता चला कि शायद लम्प है उनको लगता है नहीं नहीं मुझे दवाई नहीं लेनी है वगैरह वो जो डरते हैं डीले करते हैं उसका कोई नुकसान बिल्कुल है क्योंकि लम्प जो है ना पीलनेस है ट्यूमर भी है वो पीलनेस है दर्द हो नहीं रहा है हम ध्यान नहीं दे रहे हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे जितना हम इग्नोर करेंगे ना उतना हम ट्रीटमेंट से भी दूर जा रहे हैं आप एक आ, स्टोरी बता रहे थे मुझे हम जब ऑफ स्टेज बात कर रहे थे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, थे जहाँ पर आ, कोई फीमेल आपके पास आए और उनको लगा कि मुझे होम्योपैथी गाइड में नहीं जा अभी कुछ दिन पहले जस्ट तीन दिन पहले ही सत्रह साल की एक लड़की हमारे पास आई थी जिनको हमने क्लिनिकली देखा आप समझ सकते कि सत्रह साल की बच्ची का ब्रेस्ट का साइज क्या होगा लेकिन जो उसकी जो लम्ब थी या आप उसको एक ट्यूमर का नाम ही दोगे वो ब्रेस्ट साइज से थोड़ा बड़ा ही था डेढ़ साल पहले से उसको वो लम्ब फील हो रहा है हर मदर इज अ सिंगल मदर तो उन्होंने होम्योपैथी के पास लेके गए होम्योपैथी वाले ने ऐसे उनको बता दिया कि अगर आप एलोपैथी में जाते हैं तो आपका ब्रेस्ट रिमूव कर देंगे काट देंगे जबकि मैस्टिकटोमी जब सर्जन्स करते हैं तभी जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अदरवाइज़ ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी ही फीमेल आप समझ सकती फीमेल के लिए उनका ब्रेस्ट इट्स अ साइन ऑफ फेमिनिटी कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है तो इसीलिए जब वो बच्ची आई तो पहले तो वो सच में जब उसको हमने छुआ ना टच करने के लिए तो मैंने उसका पल्स रेट चेक किया इट वॉज़ वन ट्वेंटी तो पहले तो मैंने उसको काम किया कि बेटा आप घबराओ मत आप एकदम आराम से रहो पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी सी कराई वो hmm. जाके काम हुई उसके बाद उसको चेक किया और उसको बोला बिल्कुल डरने की बात नहीं है छोटा सा लम्प है निकल जाएगा यू विल हैव अ नॉर्मल लाइफ स्टाइल बस कोशिश यही करेंगे कि जो भी सर्जन कर रहे हैं वो ब्रेस्ट ऑनकोप्लास्टिक सर्जरी करें hmm. ताकि उसके फीमेल के आज बच्ची है ब्रेस्ट का मैटर है तो कोई दाग भी ना है और वैसे भी ऑनको प्लास्टिक सर्जरी में दाग बिल्कुल नहीं आते दे इज नो स्कार Okay. सर्जरी अच्छा yeah. आपकी कोई ऐसी रियल कहानी जो शेयर करना चाहे जहाँ पर किसी को भी स्टेज या थ्री कैंसर ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो mm. और उन्होंने रिकवर किया हो ताकि bilkul. हम एक आशा दे सके आई टेल स्टोरी ऑफ पेशेंट अर्चना अर्चनाबाग मैं उनका नाम भी शेयर कर सकती हूँ क्योंकि वो कहती मैम आप बता सकती हैं आप जहाँ चाहे मेरा नाम सो वो जब हमारे पास आई थी शी आई थिंक ओल्ड एंड uh, जब उनकी टेस्टिंग वगैरह सब कराई तो उनको स्टेज थ्री ब्रेस्ट कैंसर हुआ mm -hmm. उसके बाद जब उनकी सर्जरी हो गई और सब वगैरह हो जब उनको पता चला उनकी कैंसर है शी वॉज अ फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली ठीक है बंगाली जॉइंट फैमिली सो अब उनके फैमिली में ये डिस्कशन चल रहा है कि कैंसर हो गया क्या ज़रूरत है इलाज कराने का ठीक तो होना नहीं है बट आई विल टेल यू शी वॉज अ वेरी बोल लेडी उन्होंने अपनी फैमिली में करीब मेरे को बताई पूरा सिचुएशन मैम 25 जन बैठे थे और मैं उनके बीच में खड़ी हो कि ये बता रही हूँ मैंने उनको कहा कि जब डॉक्टर ने कहा है मेरा सर्जरी कराइए तो आप में मेरा सर्जरी कराइए ना hmm. कि सीधा आप लोग मुझे शमशान घाट लेके जाओगे शे टुक दैट बेट कि नहीं मुझे ठीक होना है एंड wow. डॉक्टर के ऊपर उनको इतना फेद था कि नहीं जब मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है तो so मैं बिल्कुल ठीक हो सकती हूँ आफ्टर द सर्जरीशन बारह साल से वो हमारे पास आ रही है अब उनकी डॉटर की शादी हो चुकी है नानी बन चुकी है इट्स लाइक अनबिलीबल और yeah. ये कितने समय में हुआ ये आ, अब उनको बारह साल हो गया फॉलो अप पे तो वैन शी वॉज इन द उनको हुआ था तो अब आप समझ सकती उनकी एज फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री हैं राइट right. कितने समय में उन्होंने इस सिम्टम को रिवर्स किया या हम कह सकते हैं रेमिशन में डाला या ओवर सर्जरी के बाद अगर हम कीमोथेरेपी शुरू करते हैं ना तो जेनरली देर अ प्रोटोकॉल इन मेडिसिन की सर्जरी के इक्कीस दिन बाद ही कीमोथेरेपी okay. हम शुरू करते हैं okay. फिर केमोथेरेपी की अगर एक बार किसी ने कैंसर को ओवरकम कर लिया उसके बाद रिकरेंस के चांसेस ऑलमोस्ट हैं देखिए हम लोग मेडिकल फर्टर्निटी में बोलते हैं टिल फाइव इयर्स रिकरेंस के चांसेस होते हैं hmm. तो हम पेशेंट को बोलते हैं आप रेगुलर फॉलोअप चेकअप्स कराते हैं करेक्ट टिल फाइव इयर्स यानी जब कैंसर उन्होंने रिकवर कर लिया उस उसके पांच साल के उसके अंदर वापस साल, हो सकता उसके है। उसके पांच साल के बाद आ सकता है जरूरी नहीं है hmm. लेकिन चांसेस हैं तो वाई टू टेक अ रिस्क तो हम उनको कहते हैं कि भाई अब रेगुलर शुरू में hmm. तीन महीना उसके बाद दो साल भर उसके बाद करेक्ट रेगुलर अगर फॉलोअप कराते रहे ब्लड टेस्ट रेगुलर कराते रहे हेल्थ पैकेजेस कराते रहे hmm. तो बॉडी में जो भी चेंजेस होगी वो पता चल जाएगी देन वी कैन ट्रीट द पेशेंट करेक्ट करेक्ट सो इसीलिए इसमें भी चेकअप जरूरी है एक बार कैंसर हो गया वापस से चेक करवाना हर महीने Bilkul. और रेगुलर बेसिस पे एक लोगों को ये लगता है कि जो अंडर वायर ब्रा पहनते हैं या टाइट ब्रास जो पहनते हैं उसको भी लेकर लोगों को यह है कि क्या उससे कोई चैलेंज आएगा क्या कैंसर होगा उससे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अंडर वायर ब्रा या टाइट ब्रा सपोर्ट जबकि आपको टाइट ब्रा सपोर्ट पहनना चाहिए सो डैट योर ब्रेस्ट इज ऑन अ लेवल Hmm. अगर आप लूज ब्रा hmm. पहनोगे तो डेफिनेटली आपकी जो ब्रेस साइज है वो लेवल में नहीं रहेगी ठीक hmm. है सो यू शुड वेयर द ब्रा साइज परफेक्टली व्हाट इज योर एंड इट इज नॉट सी नाउट इज डिफरेंट कमिंग अप सो वॉट एवर यू यू वेयर बट एट द नाइट आई सजेस्ट कि आप अपने ब्रा को खोल के सोइए उसके बाद आप मॉर्निंग में वापस से पहन सकते हो करेक्ट सो एक्सट्रीमली टाइट नहीं एक्सट्रीमली टाइट नहीं आपके साइज के अनुसार लूज हाँ. मत पहनिए लूज ना पहनिए हाँ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और रात को पहन के ना सो जाइए हां बिल्कुल क्योंकि वो उसकी वजह से मुझे अभी भी याद है कि आ, मेरे मम्मी नानी हमेशा ये कहते थे रात को कभी भी वो टाइट इवन हाँ, अंडरवे yes. पहन के नहीं, नहीं किसी को भी मेल या फीमेल किसी को भी, किसी को भी, किसी को को भी नहीं, नहीं सोना चाहिए बिकॉज वो ओवरऑल आपके इंटरनल ऑर्गन के yeah. लिए अच्छा नहीं yes. है सो दिस इज रियली पावरफुल उसके अलावा अगर आप लेट से किसी को भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में कुछ भी ऐसा गाइड करना चाहते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ रिलेटेड हो वो स्लीप हो सकता है वो इमोशंस uh, हो सकते हैं इज देर एनी थिंग जो आप कहेंगे कि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर डेफिनेटली सी स्लीप इज वेरी इम्पोर्टेंट एक तो कैंसर सुनने से ही नींद उड़ जाती है तो <laughs> <laughs> फिर हम यही कहते हैं उनको कि भाई मेडिटेशन प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन दिस क्या ना लोग मेडिटेशन को शिवांगी जी बहुत बड़ा शब्द मानते हैं hmm. हम उनको सिंपल भाषा में समझाते हैं मेडिटेशन कुछ नहीं है सिर्फ फॉलो योर ब्रेथ कैसे सांसें अंदर जा रही है कैसे सांसें बाहर आ रही है जस्ट पाँच मिनट आप करो आप बिलीव नहीं करेंगे ना कर, जब चैम्बर में बैठे रहते हैं तो वो वक्त बीपी भी शूट <laughs> तो एक पाँच मिनट का टेक्निक कराते हैं फिर बीपी चेक करते हैं नॉर्मल हो गया अरे वाह सो मेडिटेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट स्टेग पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड और स्पेसिफिकली रोल ऑफ द फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पार्टनर सबसे बड़ा क्या है ना कई लोग ये भी समझते हैं कि उसके साथ सोने से अगर मुझे कैंसर हो गया hmm. मेरा बच्चों को सवाल पास भी गई था next. बच्चों को पास नहीं आने देना hmm. अगर किसी एल्डरली को कैंसर हुआ है और अगर आप घर के बच्चों को उनके पास ना आने दें तो यार वो वो वैसे ही बीमार बीमार है वो तो और हो जाएगा। को लेकर कुछ फीमेल्स बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं कि उनका साइज छोटा है और उसके लिए सर्जरी करवाना एक्ट्रेसेस करवाते हैं दे अ डिफरेंट रीजन फॉर देम इट माइट बी राइट बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन क्या साइज से कोई लेना देना है नहीं डिपेंड्स अपॉन देयर गोइंग ग्रोथ हार्मोन इन द बॉडी ईस्ट्रोजन जब उसका प्यूबर्टी से जब वो एटीन ईयर्स क्रॉस कर रही है तब बेसिकली वो एक ग्रोथ फेज होता है hmm. अगर ब्रेस्ट बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया hmm. तो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न लेकिन अगर ब्रेस्ट साइज है छोटा बहुत है बड़ा बहुत है इसके लिए कंसर्न होने की जरूरत नहीं है वो नेचुरल फिनोमिन है hmm. जो हमारी बॉडी में नेचुरली जो हॉर्मन ग्रोथ हो रही है उसी के हिसाब से आपकी डेवलपमेंट भी हो रही है हाँ एक्ट्रेसेस लोग मॉडल्स लोग जो लोग सर्जरी के लिए या हॉर्मोनल थेरेपीज के लिए जाती हैं hmm. उनके भी साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं सो आई थिंक वी शुड नॉट थिंक अबाउट इट नॉर्मल ह्यूमन बींग है हम लोग जनरल लोग हैं सो डेफिनेटली जो नॉर्मली जो हमें नेचर से मिल रहा है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए हाँ अगर नहीं हुआ है ग्रोथ बिल्कुल भी तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर कि आगे क्या ट्रीटमेंट मुझे करवाना चाहिए ब्यूटिफुल सो ग्रोथ नहीं है तो ज़रूर आप देखिए उसकी वजह बट अगर छोटे हैं बड़े हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज़ यस आपने फैमिली का रोल बताया कि बहुत ज़रूरी है तो जो भी लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि उनके घर में अगर किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर है वो कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं एक तो बीमारी के बारे में बात ही मत करो <laughs> उसको याद ही मत दिलाओ ना कि आप बीमार हो बिल्कुल ठीक है ना जैसे नॉर्मल एक्टिविटी चल रही थी वैसे ही चलने दो इफ शी इज हैप्पी हैप्पी इन इन कुकिंग फूड लेटर डू इफ शी इज़ गोइंग आउट है हमारे यहाँ पे जब पेशेंट्स आते हैं सर्जरी के बाद दिखाने के लिए तो हम तो यही कहते हैं मूवी जाना चाहो तो जा सकते हो गो hmm. आउट एक कमरे में बंद करके उसको मत रखिए क्लोस्टोफोबिक हो जाता है hmm. बच्चों को पास में आने दीजिए जो वो बच्चों को अगर अगर वो ड्राइव करना चाहती है ड्राइव करने दीजिए बच्चे के साथ अगर स्कूल जाना चाहती है जाने दीजिए सो so, ये सारी एक्टिविटी हम जब रोज पेशेंट्स देखते हैं ना वो हमें बताती है कि मैम मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सक रही हूँ hmm. मुझे पढ़ाने नहीं दी क्या प्रॉब्लम है पढ़ाने दीजिए hmm. उनको भी अच्छा लगेगा बिल्कुल मतलब मन से ही मान लिया कि मैं बीमार हाँ, या फैमिली ने हमें ऐसा ट्रीट करना करना तो है, है, हाँ, तो तो फैमिली तो बहुत, बहुत काम आती है पॉजिटिविटी आस पास के लोगों से भी बहुत आती है हंड्रेड परसेंट और मुझे भी आपसे बहुत पॉजिटिविटी आज मिली है ऑलरेडी बिकॉज द वे ग्लोइंग यू नो जिस जितना पॉजिटिविटी के साथ जितना ऑप्टिमिज्म के साथ आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं इट इज़ रियली रियली कमेंडेबल लोगों को ये भी लगता है कि मेरे मम्मी को नानी को था कैंसर uh, तो मुझे भी आ सकता है ब्रेस्ट कैंसर मेरे दूर के चाची जी को था तो मुझे आ सकता है तो क्या जेनेटिक्स डेफ़िनेटली रोल प्ले करता है बट क्या इसका मतलब ये है कि होगा ही होगा कैंसर? नहीं बिल्कुल नहीं आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी जेनेटिक कैंसर को आने से भी रोक सकती है इट इज़ नॉट नेसेसरी इट इज़ नॉट कम्पल्सरी कि अगर आपकी मम्मी दादी बहन या आपके किसी फैमिली मेम्बर को कैंसर हुआ है तो वो आपको भी होगा करेक्ट बिल्कुल correct. ऐसा जरूरी नहीं है फिजिकल एक्टिविटी प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस मैंने देखा आपने फिजिकल एक्टिविटी को काफी प्रायोरिटी दी है बिल्कुल सोलेट से आपके पास तीन ऑप्शन है कि फिजिकल एक्टिविटी डाइट और इमोशंस तो आप कैसे उसको रैंक करेंगे सबसे ज्यादा क्या जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी को नंबर वन दूंगी hmm. अगर आप फिजिकली एक्टिविटी एक्टिव हो इमोशंस अपने आप बैलेंस रहेंगे हाँ दिस इज इंटरेस्टिंग राइट राइट right? और अगर आप फिजिकल एक्टिव हो तो आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि मुझे फिजिकल एक्टिव रहना है तो डाइट तो भाई सही रहना चाहिए सो <laughs> so, पहले एक्टिविटी आती है फिर डाइट क्योंकि वो लिंक्ड है बिल्कुल एक दूसरे से लिंक्ड है और जब आप बॉडी आपका कंट्रोल में है कि आप मूव कर सकते हो शायद थॉट को कंट्रोल ना कर सके इमोशन को ना कर सके बट बॉडी से इमोशन को कंट्रोल दैट दैट डेफिनेटली मेक सेंस विभा मैम आपने जो बातें की है आई थिंक uh, और भी बहुत बातें करे ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है क्योंकि इतना नॉलेज आपने इतने कम समय में दिया इतना अमेजिंग इन्फॉर्मेशन और आई फील प्राउड कि जितने भी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं आई होप कि उनको कुछ सोल्यूशन मिला होगा या एक फेथ मिला होगा आई फील प्राउड ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग और uh, आखिरी कुछ शब्द अगर कोई एडवाइस और एनी सजेशन टू डू ब्रेस सेल्फ एग्जामिनेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस क्योंकि आई से वुमेन एज अ हार्ट ऑफ द फैमिली बिना वुमेन के घर कैसा होगा <laughs> जिसके नहीं हैं वो ज़्यादा समझ पाएगा सो so, पहले अगर आप सही है ना तो आपके बच्चे आपके हस्बैंड भी सही रहेंगे लेकिन अगर आप सही नहीं हो तो आप समझ सकते हो सो आई टेल डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बी हैप्पी लिव योर लाइफ बिल्कुल कभी कभी विमेन अपने आप को है ना कम प्रायोरिटी देती है परिवार को ज्यादा देते देती हैं बट आई थिंक आई का जो सर्कल है फीमेल का वो थोड़ा बड़ा जरूर बिल्कुल होना चाहिए।, होना चाहिए तो ही वो किसी और को सेवा दे सकते हैं आप खुद सही रहोगे तभी तो आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे बट अगर आप ही बीमार हो जाओगे तो आपकी फैमिली आपके बच्चों का कौन ध्यान रखेगा so तभी हम फैमिली का भी ख्याल रख पाएंगे ब्यूटिफुल थैंक यू सो मच विभा जी आप आए और स्पेशली आपने वक्त निकाला इसके लिए लोगों के साथ बात की ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेकर कैसा लगा आपको बहुत ही अच्छा लगा शिवांगी मैम जो काम कर रही हैं पॉडकास्ट के थ्रू मैंने इनके हर पॉडकास्ट वॉच किए हैं अभी तक वाह एंड आई फील आल्सो ऑनर्ड कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब जिनका पॉडकास्ट मैं वॉच कर रही हूँ मैं उनके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूँ सो इट्स अ ग्रेट वर्क शिवांगी यू आर डूइंग कंटिन्यू डैट थैंक यू सो मच यू थैंक यू इट रियली मीन्स अ लॉट और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको क्या आ, जो भी सुन रहे हैं मुझे ये जानना है कि इसमें से क्या लर्निंग था या ओवरऑल क्या फीलिंग था कमेंट में बताएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि क्या ये बात आप तक पहुँची है आपके दिल को छुआ है एंड अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर या कोई भी डाउट है तो ज़रूर मैं विभा मैम का नंबर भी डाल देती हूँ उनका कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देती हूँ नीचे ज़रूर उसको देख कर, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं बट मेक श्योर sure कि ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हम और ज़्यादा स्प्रेड करें इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूलिएगा फिट भारत मिशन और होलिस्टिक हेल्थ विच शिवांगी देसाई ये सब शुरू करने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि कॉमन लोगों तक ये बातें पहुँचे और उसमें मैं अकेली नहीं कर सकती हूँ आपको ही करना पड़ेगा सो थैंक यू सो मच आपने जो इतना आप तक प्यार दिया है और थैंक यू टू तो विभा मैम जो स्पेशली आज आए हैं थैंक यू सो मच एंड सी यू सी सीमी